ओए पीछे चले जाओ, सारे दरवाजा खुला आ जाए। हां वो उधर ही बंद हो गया। हमें जाने दी ना, दे रहे हैं और अपन सारे उतारता है। पीछे चले जाओ, पीछे दरवाजा खुला है। तो जिसने बाहर मुबारक। Right now, I'm standing at Jilani Park, Lahore, one of the most high-rating park. ये park basically famous है, ज़्यादातर यहाँ के national festivals, dog show और तरह-तरह के shows ये भी होते हैं। और आज भी spring festival लगा हुआ है। और spring festival में हमारे तकरीबन सारे जो से सुबह हैं, उनके साथ ही के stalls लगे हैं। इतना crowded है कि literally सुबह ही बाद में बताता। लेकिन true thing ये थी कि ये इसकी entrance है। ये इसकी एंट्रेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 5 फुट से ज़्यादा नहीं होगी एंट्रेंस से, इतना हिस्सा। और हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा और यहाँ से भी नहीं हम आ सके। हम उमर भाई ने आइडिया दिया क्योंकि उनके पास एक जगह थी। हम पहले एक चोर सूस लगाया दूसरी जगह से, फिर एक दूसरा चोर सूस लगाया तीसरी जगह से। ऊपर से घूम के तकरीबन हम 5 से 10 किलोमीटर चल के गए। घूम के सेकंड वाले दरवाजे थे, इसका प्रॉपर ट्रैक को घूम के हम आए, फिर इस वाले दरवाजे से अंदर आ गए, उधर से प्रॉपर पूरा आ गए, फिर यहाँ पे आपके भाई ने इंटरव्यू शुरू किया। सर ये भी कहते उसके सीन्स भी इतनी खजल खुआरी जो भी हुई वो भी थोड़ी सी देख लो उसके आए। फिर मैं प्रॉपर इसके सीन्स दिखाता हूँ ये कैसे लाने वाला। बिगर सीन ये है कि आवाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो विशाल साहब अपने लगे हुए हैं वीडियो के, एंट्री इन्होंने बंद की हुई है। अब हम दूसरे गेट से ट्राई करते हैं, अगर दूसरे गेट से हो जाता है तो ऑफ हो गया। दूसरा गेट बंद है, दूसरा भी बंद है, बैक डोर भी बंद है, सारा ही बंद है। देखी दो। क्या करें आप। हेलो ये अपने विशाल साहब पंगे लेते हुए मैकडोनल्ड वालों के साथ। उसने देख लिया ना, उसने कहना है कि भाई उसका ही रिएक्शन चाहिए था तुम्हें। जो लाहौर सिटी में ये एक ऐसा आउटिंग पॉइंट है जहाँ पे जो है ना जिंदाबाद अगर ये वो यहाँ पे तकरीबन मोस्टली 70% आवाम यही बेसिस पे आई। हाँ के जी जाएंगे। हाँ धक्का दे रहा उसको बराबर, इसलिए फैमिली को भी नहीं टाइम मिल रहा, फैमिली भी नहीं जा पा रही और क्रिएटर भी जा रहा। बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस, हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको दिखा सकें कि यार किस तरह का फेस्टिवल है ये जश्न बहारा। पहले कोई इतना खास नहीं होता था, लेकिन अब इस दफ़ा लगता है कोई बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सैटरडे से ट्राई कर रहे हैं हम, लेकिन कोई चक्कर नहीं हो पा रहा। तो अभी देखते हैं जाके, फाइनली यही सोच के हैं कि आज एंट्री लेके ही रहेंगे। इसको हम नहीं कर सकते, वाइब क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड वाइड ज़्यादा वीडियो एक्सपेंड होती भी है कि हमारी कंट्री में हमारा नेशनल जब ये चीज़ें फेस्टिवल लगते हैं तो वो किस तरह डिस्प्ले होते हैं, सारी मेन मोटिव यही था। वी आर अबाउट टू रीच गेट नंबर 2। अभी यहाँ से ट्राई करते हैं कि एंट्री मिलती है कि नहीं, होप के मिल जाए, अल्लाह करे। काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे रश भी काफ़ी है, तो देखते हैं क्या होता है। ना हो रही है ना की उम्मीद, नशीब आ रही है। ओके विशाल पकड़ भाई, उठाना नहीं क्या यार, उठा रहे हैं जैसे निकले हैं वो बाहर की नहीं उधर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिल गई है एंट्री, और आपके साथ मंसूरी भी की है। खुशी की है, बहुत कमाल है यार। यहाँ पे अपोजिट साइड है जहाँ पे फेस्टिवल नहीं है, यहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन खुफिया गेट भी है यहाँ पे है। ये डेटिंग गेट है विशाल कह रहे। अभी चलते हैं आपको जो है ना मोस्टली दिखाते हैं, ये रात कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपको ना, सिर्फ आवाज ही आ रही होगी। बाकी दूसरी साइड दिखाऊं तस्वीर का, दूसरा रुख दिखाता हूं आपको। वो देखें वहां पे जो है ना सारा फेस्टिवल चल रहा है, तो वहां पे जाके अब आपको कैमरा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अंधेरा है बहुत ज्यादा। वी अराइव टू दी फेस्टिवल पार्ट। क्या चीज घूमने वाला, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। भाई वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डोली वाला। ना भाई मैं ना लूँ डोली वाला, मैं इसलिए ना लूँ, लास्ट टाइम में गया था जॉयलैंड वहाँ पे मैंने लिया, वो भाई सबसे बुरा।
जितना माशाल्लाह तू है ना वो लड़की कर रही है। तो मैंने अभी आइडिया दिया ना उनको, वो पीछे वाला जो उनका क्राउड आ रहा था उनमें से कुछ एक्सपीरियंस है थी, वो यही अरे तो प्रोजर के कहे ठीक है यहाँ से ही निकल जाते, यहाँ से ही निकल जाते पाकिस्तानी वहाँ पर ना जुगाड़ हुआ भाई यार करा दे तो लोहरी वहाँ है क्या बात। अभी यहाँ से जाते हैं अंदर ये कुछ सीन्स देखे हैं, बाकी अंदर आपको ज़्यादा जाके दिखा देंगे अंदर के क्या माहौल है ठीक है। तो चलते जाओ विशाल जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि दे आर अनाउंसिंग अगेन अगेन अगेन, ये ना कोई सख्त एक्शन ही ले लें वो कहें कि निकालो वहाँ को बाहर तो डीड हो गई है। चलो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फेवरेट क्या देखते हैं। ये कुछ लौंडे थे ज्यादा लड़के देखे इनका बीपी लो हो गया। बड़े अश्लील लौंडे हैं यहाँ पे, हम भी कवर करने आए हैं लेकिन वो काम नहीं करने आए जो करने आए। हम क्या करने हैं अभिषेक, हम क्या करने हैं वो लोग और ये लोग ये लोग लो जी आएगा चंगा लो तू रिकॉर्डिंग। तो इसी की बैक साइड पे भाई यहाँ पे कुछ ये देखो वो वाह नाइस, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यार। ये देखो सबसे मजे की चीज़ इट्स ऑल वुडन, काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखो ये भी है वो भी है इसी की बैक साइड पे, इनके पास काफ़ी सारी यूनिक सामान था यार, बहुत मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी ठीक है। बाकी हमने खरीदना खरूदना तो कुछ नहीं है, देखने हैं खाना ज़रूर ट्राई करेंगे जो हमारे दूसरे सूबे हैं, जैसे हम तो पंजाब में रहने वाले हैं पंजाबी वी लव फूड, तो फूड को कैसे छोड़ सकते हैं कहीं पर भी आए कोई भी फेस्टिवल हो। तो एक और मज़े की चीज़ नज़र आई यहाँ पर, काफ़ी बड़ी इन्होंने वो रखी हुई है एक हांडी सी, हांडी टाइप भी, तो वो दिखाता हूँ आपको लेकिन बंद है अभी जी। एक साहब को इन्होंने रखा है कि जैसे गुड़ नहीं निकालते बड़ी बड़ी हांडियों में, वो रखा हुआ है। उसके बाद इधर भी कुछ कट लंबा है और देवी को कुछ पटूरे वगैरह, ये खाने वाला स्वाद यानी हमारे मतलब की चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर ठीक है। ये देखेंगे ये मटके कुछ पॉट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे ये गुलाब जामुनियाँ दे रहे हैं, आई थिंक सो कि ये पसरूर वाला वो नहीं जहाँ से अजीम भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं यार, शरकपुर हाँ अजीम भाई आपको भी याद रखे हमने, शरकपुर की गुलाब जामुनी है ये ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं, तो फर्स्टली हम अभी ट्राई कुछ नहीं करेंगे, पहले कवर कर लें, उसके बाद जब सारा कवर हो जाएगा ना पता चलेगा कि थोड़ा टाइम हो गया थक गए हैं कि आप एनर्जी चाहिए, अभी तो बहुत एनर्जी है दोनों में तो अभी तो उम्मीद जागी है ना कि अब इतनी मेहनत कर ली अंदर आ गए नाउ वी कैन डू समथिंग स्पेशल। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। वाह व्हाट्स अप जी, नजूमी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा जी विशाल व्हाट दे आर सेइंग के लैंड कटाओ जरा आगे पीछे हो जाओ। हाँ लैंड, नो नो, तुम इंटरेस्टेड हो? ये देखें साथ ही कोई वो रोस्ट कर रहे हैं इनको, जो सैंड हमारा पुराना तरीका है ना उस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। आप तो बहुत सारे ओवन में ही रोस्ट कर लेते हैं, बिलीव भी नहीं है ये तोते सानू बिलीव है। वो देखो अरे जोकर अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो बंद ही नहीं हुआ, इसको बुला काम छोड़ के ना संडे। अच्छा ये भाई भी है कुछ कहना चाहते हैं, हुक्म करें भाई। हाँ जी ओके कहता है कि मैं भी यहाँ पे जो है ना ब्लॉगर्स को कैमरा को ना बहुत ज़्यादा बाउंड समझ रहे हैं, ये पूरा डेरा सिस्टम स्टार्ट। और ये जी एक डेरा आग लगी हुई है और ये सजी विशाल ये देख
समथिंग। ये देखो जी सेंटर में ये रखा हुआ है इन्होंने, सज्जी वगैरह इधर पक रही है, और ये मेरा ख्याल है रान रोस्ट हो रही है बकरे की। बहुत मज़े का सीन चल रहा है यहाँ पे। तो ये अभी ट्राई करें कि बाद में? नहीं चिकन नहीं है वो, बकरा है। अच्छा। दे बहुत पूछे पूछे पूछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बकरा है? ओके बकरा है भाई, छोटी सी बकरा है, छोटी सी है, असली ट्राई कर। सो ये थोड़ी सी हाइट है, ड्रोन तो नहीं है, लेकिन ये दिखा सकते हैं क्राउड का आलम क्या है। जहाँ तक देखे बंदा ही बंदा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फ्रंट फेसिंग साइड है ना, बैक साइड पर तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आपने देख ही चुके हैं क्या हिसाब किताब है बैक पे। विशाल साहब कह रहे हैं कि यहाँ से 2 साल पहले पॉइंट ट्राई किया था। आए कितनी देर बाद हो यहाँ पे? साल बाद आए, लास्ट साल भी आए थे। अच्छा टक्कर होने वाली थी किसी बंदे से, ऐसे लड़ाई हो गई क्या यार? कैसे नौ से स्ट्राइक दिलवाना चाहता है? नहीं भाई, ऐसे दिल से अल्फाज आ रहे हैं लेकिन जुबान तो नहीं आ रहे। ओहो क्या कह दिया, कहना चाह रहा मैं। हाँ चैनल की यार कुछ पॉलिसीज भी है ना इसलिए। बाकी यार ये देखें रश, आप ये सारा भी क्राउड बैठा हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खाने पीने के स्टॉल्स हैं। मेनली जो जश्न बहारा फेस्टिवल होता है वो फ्लावर एग्जीबिशन होती है इनकी, तो अब वहाँ ही चलते हैं कि आपको दिखाते हैं फ्लावर एग्जीबिशन में क्या क्या ये दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा अभी टायर्ड फील करने लग गए हैं, उसके बाद आके के देखेंगे और क्या दिखाने वाली चीज़ है। ये ट्रैम्पलिंग वाला सीन है कि अपना ट्रैम्पलिंग याद आ रहा है, ट्रैम्पलिंग याद आ गया भाई, याद आ रहा है। और भाई को सजेस्ट किया कि वो भाई करे ये ट्रैम्पलिंग, पर ये जैसे क्या है ना, एक तो रिक्शी बना है पर हमारे वेट ही वो लगे थे, तो एक्चुअल ट्रैम्पलिंग हमने की ही है। वाली वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो देखो यार। अच्छा बात पता क्या है कि उस ट्रैम्पलिंग में ना सबसे बड़े बंदे भी हम दोनों ही थे। नहीं बाद में आए थे पेरेंट्स के तौर, उनके साथ बच्चे थे, लेकिन जो यंगस्टर थे ना वो हम दोनों ही थे। बहुत मज़ा आया था। विशाल कह रहे ओए ओए इतने प्यार से ले रही है, इतने प्यार वो देख कैसे 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 करी वाह वैसे मशवरा बुरा नहीं है, वही ट्रैवलिंग वाला सीन ही हो जाएगा कि दो लौंडे सबसे बड़े और बैठे किस पे है। भूत बंगला और स्नेह सस्ता हो रहा ला, देख रहा हमने एक कार में आप जा रहे थे तो वो स्क्यूर होते हैं। मैं एक दफा गया था वो छोटा सा काम जा रहा, वो बंदा पता क्या कर रहा है, वो जानना है अंदर चलते हैं सर। अभी थोड़ा वेट है, अभी पहली पार्टी डाल रही है, दूसरी पार्टी यार साउंड बड़ा बढ़िया भाई। ये सुनते हुए अंदर क्या
क्या कार्रवाई हो रही है क्या हो रहा है विशाल क्या बात है बात आ जा बात कैसा लगा वीडियो अभी वो भी गड़गान लग गया ठीक आ रहे हैं वो भी शक पे आ गया गाल भी होगी रह रही है चिका उस्ताद आप परेशान हो गए चिका क्यों आ रही है चलो क्या रहे किसी चल यार कोई नहीं पैसा बर्बाद जास गए सो गया चलो लेट्स सी क्या बगला क्या मिल गया एक चीज है यहाँ पे ना एक चीज है कि यहाँ पे फार्मर्स बहुत ज्यादा बैठे हैं यार इतने लोग बिलीव करते हैं अगर चल रहे तो बैठे हो गए लेडीज के साथ बैठे हुए हैं और साथ ये है कि फीस भी इनकी बड़ी ज्यादा है 1000-1500 फीस तो मैटर नहीं करती लेकिन यार ये बकवास है ना सारी जगह अलग है चलो बाकी यार बहुत अच्छी अच्छी चीज जैसे ओ ये अपना एक स्टॉल चला रही हैं बहुत अच्छी बात है यार इस तरह का स्टॉल हो ना मोसी है इस तरह की लेकिन पामिस भी बहुत ज़्यादा रहता है ना नहीं है अकबर की तलवार है अब पता करेंगे सारा कुछ अकबर की तलवार भैया में मिल गई है नजर आया होम मेड पंजीरी एज यू कैन सी कि ये होम मेड दावा कर रहे हैं पंजीरी है बड़े मजे की चीज लगती है ये इनके बॉक्सेस पड़े हैं विशाल पूछो कि क्या प्राइस है पर बॉक्स ये चीनी वाली जो सी है वो 1300 की है और ये जो ब्राउन शुगर में है वो 1400 की है और जो विदाउट शुगर है वो 1450 की है शुगर फ्री मैगी सालों भाई अपने प्योरे हाथ दिन सालों सैडली ये न्यूज़ है कि फ्लावर एग्जीबिशन बंद हो चुकी है सो मूव ऑन टू आवर स्टेप नंबर 2 जो कि है खाना खाना चाहिए ट्राई की करना है लेफ्ट साइड तो खाने में वो आपको ज़्यादा ही खाते हैं हर जगह क्या ट्राई करने वाले फूड कोर्ट की तरफ से हाँ फूड कोर्ट ये शॉपिंग कोर्ट है हाँ तकरीबन हमने सारा ये फेस्टिवल घूम लिया जो से इनके सारे साइन बोर्ड्स वगैरह लगे थे और फ्लावर एग्जीबिशन इसलिए भी कह सके क्योंकि अगर फ्लावर एग्जीबिशन अभी बंद है क्योंकि डेट आए थे लाइटिंग सारी किसी भी स्टोर्स पर जो उसे सारे मैंने तकरीबन आपको दिखाए अगर आप फिर भी आना चाहते हैं ये इसका मैं ब्लॉग शॉपिंग कर देता हूँ ये सारी डेट्स हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कभी भी जब ये एग्जीबिशन दोबारा लग रही 12 एग्जीबिशन थी जिसमें 12 हो गई हैं पड़ी हुई हैं तो ये सारे स्टोर तो यहाँ ये फूड को फूड इसलिए ट्राई नहीं किया नॉर्मली कॉमन है जो हम यूजली खाते रहते हैं इसके बाद एक नई जो नया आइडिया एक जगह पिक किया जिससे पहले कहीं भी नहीं गए तो उधर पिक करेंगे अब हम अभी भी इंजॉय कर रही है स्टिल कितने बजे हम 8 बजे आए थे और ऑलमोस्ट 10 बजे वाले हो गए अभी भी वो कह रहे हैं पार्क बंद हो गया अंदर ना आए लेकिन हम वहाँ भी पीछे से आ रही है जहाँ से हम आए थे यहाँ पर एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे After having too much pickle party, सोले बाहर भी तो जान दो